मैं आप लोगों को इस बार बताऊंगा कि कैसे आपको करना है कि हिंदी मूवी से आप इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं। आपको बस उसकी आवाज बंद कर देनी है, म्यूट द मूवी और म्यूट द सीरियल। आप सीरियल देख रहे हैं, अब ध्यान से देखना आपको कि करना कैसे है, राइट। अगर आपको थोड़ा सा भी मिस्टेक हुई तो आप शायद नहीं कर पाएंगे और इंजॉय भी नहीं कर पाएंगे, राइट। तो चलिए हम एक सीन लेते हैं बाहुबली मूवी का, राइट। तो हम बाहुबली मूवी से मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर और यहाँ पर, कहीं पर भी मूवी चल सकती है अभी। और बाहुबली मूवी का एक सीन था, राइट। उस सीन को याद कीजिए आप, जब जो देवसेना थी वो जा रही होती है, ओके, वो जा रही है भीड़ के आगे आगे जा रही, पीछे जा रही है। और ये जो वहां पर एक जो नाइट होता है, नाइट का मतलब वो होता है इंग्लिश में नाइट होते थे पिछले जमाने में, योद्धा आप बोल सकते हैं, योद्धा, राइट। तो जो वहां पे नाइट होता है, जो योद्धा होता है, क्योंकि हम थोड़ी बहुत इंग्लिश के वर्ड्स भी यूज करेंगे, राइट। तो यहाँ पे आप सोल्जर भी यूज कर सकते हैं, हम सोल्जर सैनिक, ठीक है। और मैं नाइट यूज कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा नई वोकैबुलरी हम यूज करेंगे, क्योंकि हम एक्शंस में बहुत ही बेसिक वर्ड यूज करेंगे, जैसे गो, टच, कट, स्पीक, लुक एट, टॉक, रीच, शाउट, स्टैंड एंड सिट। होपफुली कि ये सभी को आते हैं, अगर किसी को नहीं आते तो मैं एक बार बोल देता हूँ कि गो मीन्स जाना, टच मीन्स छूना, कट मीन्स काटना, स्पीक। अब आप रिलेट कर पा रहे होंगे स्टोरी, बाहुबली का जो ये है सीन है उसमें हम इंग्लिश बोलना कैसे सीखेंगे, आप रिलेट कर पा रहे होंगे इसको, ठीक है। उसके बाद लुक एट, लुक मीन्स देखना, टॉक बात करना, रीच, रीच मीन्स पहुंचना, शाउट मीन्स चिल्लाना, एंड स्टैंड खड़ा होना, एंड सिट मीन्स बैठना। सो हियर इज द सीक्रेट, ओके। इसको आप, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, लिखा हुआ नहीं, टेक्निक की बात कर रहा हूं। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम इंग्लिश बोलना सीखते हैं तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम सोचते ज्यादा है बोलने से पहले। सो हमारी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, जो एक्चुअली ग्रामर टर्म की प्रैक्टिस की जाती है स्पीकिंग के लिए, तो ग्रामर टर्म्स हमें बिल्कुल इतने प्रैक्टिस होने चाहिए कि हम क्लियरली उसे बिना प्रैक्टिस के बोल पाए, और बिना थिंकिंग के बोल पाए, सॉरी। तो अब इसके लिए हमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इस तरह से आप पहले इसे प्रैक्टिस करेंगे, हर टेंस में एक हेल्पिंग वर्ब, एक या दो हेल्पिंग वर्ब आपको मिलेंगी, उन्हें आपको प्रैक्टिस करना है। किस तरह से प्रैक्टिस करेंगे कि आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना, आई एम, वी आर, यू आर, दे आर, ही इज, शी इज, इट इज। क्योंकि जब भी आप बोलेंगे इंग्लिश में ही इज, दे आर, वी आर, ही इज, आई एम, इसमें सोचने में टाइम ना वेस्ट हो, इसलिए आपको इसे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है, ठीक है, कि आप इसे इस तरह से बोल पाओ। पहले तो इन्हें प्रैक्टिस कर लीजिए, आई वी यू दे ही शी इट, आई वी यू दे ही शी इट, आई वी यू दे ही शी इट। अगर आपको स्टार्ट करना है स्पीकिंग, ठीक है, अगर आप इंग्लिश बोलते हैं और लेकिन अभी आपको लगता है कि इंग्लिश तो मैं बोल लेता हूं लेकिन मुझे बहुत सोचने में बहुत टाइम लगता है, विदाउट थिंकिंग आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, तो आपको करना क्या है कि आपको ये बेसिक्स क्लियर करने हैं अपने, आई एम, वी आर, यू आर, दे आर, ही इज, शी इज, इट इज, लास्ट तक देखते रहिए, नहीं तो टेक्निक छूट जाएगी, राइट। इसमें हमें पता है कि कॉन्टिन्यूस में हम आई एन जी फॉर्म यूज करते हैं, तो हम कॉन्टिन्यूस की प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे। अब सीन क्या चल रहा है, ध्यान से देखिए मूवी का सीन, दोबारा से देखिए आप। अब हम इस सीन को मूव पॉज कर देंगे और बोलते चले जाएंगे। अब ध्यान से मुझे सुनिए, आपको एक्चुअली क्या करना है कि अगर आप बॉय हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि खुद का वहां पे आपको खुद को रख लेना है। तो आप जब भी यूज करेंगे तो ही यूज करेंगे और उससे पहले आई यूज करेंगे। जैसे मैं खुद को आई विल से दैट आई एम बाहुबली, आई एम नॉट बाहुबली, ओके, बट आई विल पुट बाहुबली द कैरेक्टर एट द प्लेस ऑफ बाहुबली, आई विल बी पुटिंग माई सेल्फ देयर, ठीक है, मैं खुद को बाहुबली की जगह रख रहा हूं। तो इसलिए मैं आई बोलूंगा जब बाहुबली का सीन आएगा, जब बाहुबली कुछ करेगा तो मैं आई बोलूंगा, गॉट इट। आप ही भी यूज कर सकते हैं, डजंट मैटर, बट एक्चुअली ही से क्या होगा कि आप आई का यूज नहीं हो पाएगा और वी का यूज नहीं हो पाता। इसलिए जब भी आप इंग्लिश में, अगर आप हिंदी की कोई भी सीरियल देख रहे हैं तो आप खुद को जरूर रखिए, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब सीन आप देखते जाइए यहाँ पर, ऑलराइट, और मेरे साथ ट्राई कीजिए। फिर आपको ये करना है, कोई भी मूवी देखनी है और उस सीन को बोलना है, ठीक है। तो चलिए मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ सबसे पहले कि देवसेना इज, क्योंकि देवसेना सिंगुलर है, ठीक है, या तो कोई प्लूरल होता है या सिंगुलर होगा। सिंगुलर होगा तो मैं इज यूज करूंगा, प्लूरल होगा तो आर यूज करूंगा, राइट, और आईएनजी फॉर्म। पीपल आर गोइंग, सी देयर, पीपल आर गोइंग, देवसेना इज स्टैंडिंग बिहाइंड, नाउ देवसेना इज
लुकिंग एट द नाइट, वो इस सोल्जर को देख रही है, ठीक है, शी इज लुकिंग एट द नाइट। ट्राई जरूर करना इस मैजर को, आपको बहुत मजा आएगा और आप बहुत जल्दी इंग्लिश सीखेंगे। शी इज लुकिंग एट द नाइट इज टचिंग द वुमेन, नाउ ऑल वुमेन आर फीलिंग फियर्ड और दे आर फियरिंग हिम, सो द नेक्स्ट वन इज दे आर गोइंग, नाउ देवसेना इज गोइंग, देवसेना ही इज टचिंग देवसेना, ही इज ट्राइंग टू टचिंग, सो ट्राई, यू कैन से ट्राई हियर, ऑलराइट, ट्राइंग टू टच देवसेना बट शी इज टेकिंग द डैगर, डैगर मींस छोटा जो भी वाइफ सॉरी नाइफ होती है, ऑलराइट, सो शी इज टेकिंग, अगेन आई एम यूजिंग द बेसिक वर्ब टेक, it is very tough to speak English slowly, alright, so she is taking the dagger and cutting the fingers of the knight, now scene is in court, ab court ka scene aa gaya, aap dekhiye dhyan se, everybody is talking there about something or the incident, उस घटना के बारे में बात हो रही है, ऑलराइट, ऑल आर टॉकिंग अबाउट इंसिडेंट, देवसेना इज सेइंग समथिंग और टेलिंग समथिंग, दैट नाइट इज आल्सो डिफेंडिंग हिमसेल्फ और ही इज टॉकिंग अबाउट दिस स्टोरी, नाउ आई एम कमिंग, आई एम मींस बाहुबली, ऑलराइट, यू कैन से नाउ बाहुबली इज कमिंग, बाहुबली इज कमिंग, ही इज स्टैंडिंग देयर, He is listening to all people and suddenly he is taking out his sword and cutting his throat and that person is dying or falling down. So hopefully you understood कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसे यूज कैसे करना है, अगर आप लोगों को समझ में आया कि किस तरह से यूज करना है और ये अगर आपको हेल्प करेगा तो आप डेफिनेटली कम बैक टू दिस वीडियो, comment and share this video to your friends whomever you want to speak English. Bye bye, take care, see you next